गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टुडे साइंस लेक्चर. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस अ फ्लावरिंग प्लांट एंड आई एक्सप्लेन यू दैट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव मेन टू सिस्टम्स. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके दो सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज अ रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज अ शूट सिस्टम. रूट सिस्टम कंसिस्ट रूट्स एंड इट ग्रोज अंडरग्राउंड, व्हाइल द शूट सिस्टम कंसिस्ट फ्लावर लीव स्टेम ब्रांचेस सीड एंड इट ग्रोज अबव द ग्राउंड. शूट सिस्टम इज अ एरियल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. स्टूडेंट्स, जो रूट सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है रूट्स को, और जो रूट्स है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का. एंड जो शूट सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ब्रांचेस स्टेम लीव्स फ्रूट फ्लावर सीड, इन सबको कंसिस्ट करता है शूट सिस्टम. और शूट सिस्टम जो है वो एरियल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का. स्टूडेंट्स, जो रूट होता है या जो रूट सिस्टम होता है वो रूट को कंसिस्ट करता है, और जो रूट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है और नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का. ओके, व्हाइल जो शूट सिस्टम है ये कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड टू गो फर्दर टू अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स अबाउट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. सो टुडेज टॉपिक इज द रूट सिस्टम. आज के टॉपिक में हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. एंड यू नो वेरी वेल रूट सिस्टम कंसिस्ट करता है रूट. सो टॉपिक इज रूट. स्टूडेंट्स, द रूट इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. जैसे कि आपको बताया, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का. यानी कि नॉन ग्रीन मीन्स जो ग्रीन नहीं है. क्या आपको इसका कोई कलर दिखता है? नहीं. सो दिस इज अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट? स्टूडेंट्स, हेयर I would like to show you root. See, this is a root of a plant. As you can see, and यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है जो root है ये non-green part है. यानी कि green नहीं है, जबकि जो plant है वो green दिखाई दे रहा है. जबकि जो root है ये non-green part है, underground part है. जो पता चल रहा है इस पर soil लगी हुई है पूरी, right? Soil को पकड़े हुए है ये, तो इससे पता चलता है ये अंडरग्राउंड है और ये नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, राइट? सो नेक्स्ट लाइन इट इट ग्रोज इनटू द सॉइल. ये सॉइल में ग्रो करता है अवे फ्रॉम सनलाइट. सॉइल में ग्रो करता है, इट ग्रोज टुवर्ड्स द सॉइल, ये भी आप कह सकते हैं. ये सॉइल को नीचे की सॉइल में नीचे की ओर बढ़ता है और अवे होता है फ्रॉम सनलाइट. सनलाइट से दूर होता है, रूट पे कोई सनलाइट नहीं पड़ती है और ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, राइट? सनलाइट वाला पार्ट कौन सा होता है जिसमें सनलाइट पड़ती है? शूट सिस्टम. वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, बट अभी हम रूट सिस्टम के बारे में आपको समझा रहे हैं. तो आपको याद रखना है, इट ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल एंड अवे फ्रॉम सनलाइट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन इज इट डज नॉट पजेस नोड्स और इंटरनोड्स. स्टूडेंट्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स एक डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे आया. आपको नोड्स और इंटरनोड्स तब पता चलेंगे जब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे. जब हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको नोड्स और इंटरनोड एक्सप्लेन कराऊंगी. तो जो रूट्स है वो क्या होती है, पजेस नहीं करती, इनमें नोड और इंटरनोड नहीं होते, ये स्टेम में होते हैं. स्टेम जब मैं आपको बताऊंगी उसमें मैं आपको पर्टिकुलर प्लांट के साथ आपको नोड और इंटरनोड समझाऊंगी, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन इज द टिप ऑफ ईच रूट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप. स्टूडेंट्स, जो रूट है, रूट की जो टिप होती है, एज यू कैन सी दिस इज रूट
ओके और इसके जो टिप पार्ट होती है मींस एंड पार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है, आप कह सकते हो एक लेयर से कवर्ड होता है, या फिर आप कह सकते हो जो टिप पार्ट होता है उसे कहते हैं रूट कैप, उसे कहते हैं रूट कैप. ओके नाउ नेक्स्ट लाइन इज एवरी रूट हैज अ क्लस्टर. क्लस्टर, व्हाट इज क्लस्टर? अ रूट हैज अ क्लस्टर ऑफ फाइन थ्रेड लाइक रूट हेयर्स. स्टूडेंट्स, क्लस्टर मीन्स होता है गुच्छा. क्लस्टर मीन्स गुच्छा, गुच्छानुमा सेब. तो हर एक रूट जो होती है वो क्या होती है, उसके पास एक हेयर लाइक थ्रेड लाइक मीन्स धागे नुमा रूट हेयर्स होते हैं. गुच्छा होता है धागे नुमा रूट्स का, जिसे कहते हैं रूट हेयर्स. राइट, ये रूट आपको दिखाई दे रही है. स्टूडेंट्स, एक रूट आप देखेंगे, इस पे आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना जिसे कह सकते हैं आप. और एक क्लस्टर तो है, गुच्छा तो है, दिखाई दे रहा है आपको, ये गुच्छे के आकार में है, ये दिख रहा है हमें. राइट, और जो ये रूट है ये कंसिस्ट करती है स्मॉल थ्रेड लाइक रूट्स, जिन्हें कहते हैं रूट हेयर्स. हेयर के जैसे हैं, माइन्यूट से, पतले से, तो इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स. अब ये रूट हेयर्स किस काम आती है? ओके, नेक्स्ट लाइन इज फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब्सॉर्बिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ अब्सॉर्बिंग? अब्सॉर्बिंग मीन्स अवशोषण या अवशोषित करना. तो ये रूट हेयर्स किस काम आती है? सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने के, शोषित करने के. जैसे कि आपको पता है हम जब वाटर देते हैं प्लांट्स को तो उनके जड़ पे देते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो वो क्या होता है, उसका जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसको अब्सॉर्ब करती है और पूरे पार्ट्स में, प्लांट के पूरे पार्ट्स में उन्हें उन न्यूट्रिएंट्स, उन मिनरल्स और वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करती है. स्टूडेंट्स, हेयर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अब्सॉर्प्शन इन ह्यूमंस. हम लोग ह्यूमंस हैं, यू नो दैट, हम में भी अब्सॉर्प्शन होता होगा, खाना हम भी खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनका अब्सॉर्प्शन होता होगा, तभी तो पूरी बॉडी को हमारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हमारी ग्रोथ होती है. राइट, तो कोई ना कोई पार्ट ऐसा होगा जो अब्सॉर्प्शन करता होगा. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन का जो है अब्सॉर्प्शन होता है. न्यूट्रिशन आपको पता है, न्यूट्रिशन क्या है? एसेंशियल सब्सटेंसेस है जो कि हेल्प करते हैं बॉडी को ग्रो करने में, बॉडी को जीवित रखने में, बॉडी को हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं. तो वो हमें फूड से मिलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड से मिलते हैं. तो उसी तरीके से प्लांट्स में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे वाटर, ओके, सनलाइट, मैन्योर, ठीक है, और जो सॉइल है, सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, उनको भी अब्सॉर्ब करने का काम इनमें रूट का होता है. जैसे मैंने आपको ह्यूमंस में बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, यहाँ पे रूट्स करते हैं, ये रूट हेयर्स करते हैं. रूट हेयर्स मैंने आपको बताया, ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं वाटर और मिनरल्स को, जो रूट हेयर्स है इनमें. आपको रूट हेयर्स का काम पता चल गया, अब्सॉर्ब करते हैं, फिर इसे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं ऊपर के लिए, टूवर्ड्स दी शूट सिस्टम. इस तरीके से एक एक पार्ट को क्या मिलता है? मिनरल्स एंड वाटर, यू कैन से दैट न्यूट्रिएंट्स. राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ रूट. कल हम रूट्स के टाइप पढ़ेंगे. राइट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट विद इंडिविजुअल रूट्स. सो स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्लास वर्क विद वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.